हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे आज रिलीज हुई एक मूवी के बारे में जिसका नाम है मिसेस सीरियल किलर। इस मूवी में हमें नजर आते मनोज वाजपेयी, मोहित रैना और जैकलिन फर्नांडिस। इस मूवी को डायरेक्ट किया शिरीष कुंदन ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया फराह खान ने। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का मैं क्यों नाम ले रहा हूं आप इस वीडियो में समझ जाओगे। अब बात करें इस मूवी की, तो मूवी की शुरुआत होती है मोहित रैना से, जिसने यहाँ पे रोल प्ले किया इंस्पेक्टर इमरान का। वो डॉक्टर मृत्युंजय मुखर्जी यानी कि मनोज वाजपेयी को सिर्फ इसलिए पकड़ लेते क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम होता है कि 6 इनोसेंट अनमैरिड प्रेग्नेंट लड़कियों को मारने का। क्योंकि वाकई में डॉक्टर जॉय ने उन लड़कियों को मारा है, इसके पीछे सीरियल किलर कोई और है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इस मूवी की, तो उसके बाद इस मूवी में जो कॉमेडी, जो ओवर एक्टिंग, जो चूतियागिरी शुरू होती है कि मतलब यहाँ डिस्कस करूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी। और जैकलिन फर्नांडिस को इस मूवी में लेने का फर्स्ट डिसीजन था। मैंने इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा था, ना ही मुझे पता था कि इस मूवी का डायरेक्टर कौन है। अगर मुझे पहले पता चलता था कि इस मूवी का डायरेक्टर शिरीष कुंदर है तो मैं इस फिल्म को जरूर नहीं देखता, क्योंकि फराह खान, जैकलिन फर्नांडिस, कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण, इन तीनों से उसकी बहुत अच्छी है। दीपिका पादुकोण फिर भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस और कैटरीना कैफ, इन दोनों को अगर आपको पूरी फिल्म में वही एक्ट्रेस नजर आने वाली तो आप समझ लेना कि ये बहुत बड़ा टॉर्चर होने वाला है। मनोज वाजपेयी और मोहित रैना को यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए लिया गया है। लास्ट के 15 मिनट में आपको मनोज वाजपेयी नजर आते हैं और मनोज वाजपेयी ये प्रूफ करते हैं कि वो इंडिया के फाइनेस्ट टैलेंट्स में से एक है और वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन डायरेक्टर यहाँ पर बहुत ही घटिया है। फिल्म का जो क्रेडिट चलता है उसमें लिख के आता है कि राइटर, डायरेक्टर, एडिटर शिरीष कुंदर, लेकिन एक चीज और लिखना चाहिए कि दिस मूवी इज सीन वन एंड ओनली बाय शिरीष कुंदर। उसके बाद इस फिल्म को कोई और देखे भी ना, और देखे तो बस वो अपने आपको एक ऐसी सजा दे, काले पानी से भी गंदी सजा दे इस फिल्म को देखने के बाद। ये फिल्म एक महज एक टॉर्चर है। ऐसा लगता है कि इस फिल्म में जो सीरियल किलर वो जो लोगों को टॉर्चर नहीं कर रहा, वो व्यूअर्स लोग को टॉर्चर कर रहा है इस फिल्म के थ्रू, सच में। और सीरियल किलर के नाम पे ये धब्बा है, एक ऐसा मजाक बॉलीवुड वाले ने बनाया जो मतलब सालों साल तक याद रखा जाएगा। और आज की तारीख में साउथ वाले इतने अच्छी अच्छी सीरियल किलर पे फिल्में बना रहे हैं। अभी रिसेंटली अंजाम पतीरा एक मलयालम फिल्म देखा, व्हाट अ मूवी, और ये देखो व्हाट अ शिट। मतलब ये डॉग की टट्टी, पिग की टट्टी और जितने भी एनिमल्स सबकी टट्टी मिला दो तो ये फिल्म बनेगी जिसका नाम है मिसेस सीरियल किलर। यहाँ पर मोहित रैना को वेस्ट किया है, मनोज वाजपेयी को तो किया ही किया, क्योंकि मनोज वाजपेयी के नाम से इस फिल्म को चला रहे, बट मनोज वाजपेयी का रोल सिर्फ लास्ट के 15 मिनट में जहां पर वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करके दिखाते हैं। मोहित रैना स्टार्टिंग में कुछ सीन में आपको अच्छा एक्टिंग करते नजर आते हैं, और जहां पर मोहित रैना जैकलिन फर्नांडिस के साथ हमें नजर आते हैं वहां पर मोहित रैना और जैकलिन फर्नांडिस में ये दोनों में ये चूज करना मुश्किल होता है कि दोनों में से वर्स्ट एक्टिंग कौन कर रहा है। शायद ये जैकलिन फर्नांडिस की छाव पड़ी थी या उस टाइम पे उनको कहा था कि तुम्हें जैकलिन फर्नांडिस से भी ज्यादा खराब एक्टिंग करनी पड़ेगी। ये फिल्म को शिरीष कुंदर ने लिखा है ना, मैं उसको इतना बोलूंगा कि प्लीज कुछ सालों के लिए आप लॉकडाउन करें खुद को और आप सोचे कि आप क्या लिख रहे हो और ऑडियंस आजकल क्या एक्सपेक्ट करिए। और साउथ की फिल्म अगर अच्छी बनने लगे, अगर आप जैसे टैलेंटेड लोग, सॉरी गलत तो नहीं बोल दिया, आप जैसे लोग अगर इस तरीके की फिल्में लिखेंगे तो सिंपल से ये एक चीज करना पड़ेगा, या तो फिर नेटफ्लिक्स पे इंडियन कंटेंट देखना बंद करना पड़ेगा या तो फिर बॉलीवुड की फिल्में देखना बॉयकॉट करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत हो गया भाई टॉर्चर। 1 घंटा 45 मिनट जो टॉर्चर किए, जो मतलब सीरियल किलर के नाम पे जो हगा है भाई तुम लोगों ने, वो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरदर्द था। अगर जो लोगों को ये फिल्म पसंद आती है तो वो मैं समझूंगा कि गुड़ और गोबर के बीच का फर्क नहीं जानते। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मुझे याद रखना, नहीं याद रखना तो कोई बड़ी बात, हर दिन इस चैनल पे दिखूंगा जिसका नाम है अरहान एंटरटेनमेंट। तो टिल देन।